वेलकम टू इंटेलिजेंसिया इंस्टीट्यूट। इंटेलिजेंसिया इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, तद्भव तत्सम जो है ख़त्म हो गए हैं और आज हम जो देखेंगे देशज और विदेशज शब्द जो हैं महत्वपूर्ण, उनको देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे कि कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम है और कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है और विदेशज में जो है कौन सा पुर्तगाली शब्द है, कौन सा तुर्की शब्द है, कौन सा अंग्रेजी शब्द है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं देशज शब्द। देशज, अब देशज शब्द कहते किसे हैं? तो ऐसे शब्द जो अनादिकाल से या प्राचीन काल से बोलचाल के रूप में हम प्रयोग करते हुए आए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, इसे हम देशज शब्द कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं विदेशी शब्द किसे कहते हैं, तो हिंदी में विदेशी भाषाओं का, ठीक है, हिंदी में विदेशी भाषाओं का विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि के शब्द आम चलन में आ गए और परंतु हिंदी ने इन भाषाओं के शब्दों को अपने ढंग से ग्रहण किया, इसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब कोई भी विदेशी भाषा है और उसको जो है अपने उसी भाषा को हम अपने अनुसार जो है ग्रहण कर लिए, अपने मूल रूप में उसे हम ग्रहण कर लिए, उसी को हम विदेशी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए। और तीसरा जो इसमें आता है संकर शब्द। संकर शब्द, तो संकर शब्द जो होता है, संकर मतलब होता है मिश्रित, मतलब ये दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लिया दो शब्द हैं, जैसे कोई अंग्रेजी शब्द है और हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द है, तो इनसे जो मिलकर शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं भोजन, भोजन गाड़ी। ठीक है, तो भोजन क्या है? भोजन जो है संस्कृत शब्द है और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। तो ये संस्कृत और हिंदी से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे हम बात करते हैं, एक है जेब कतरा, तो जेब क्या है? फारसी है, और कतरा क्या है? हिंदी है, जेब कतरा। ठीक है, जेब कतरा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित शब्द बोलेंगे। तो हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको देखेंगे, कौन से हिंदी शब्द हैं, कौन से इंग्लिश हैं, कौन से विदेशी हैं, कौन से देशज हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप के आते भी हैं। तद्भव आते हैं, तत्सम आते हैं, देशज, विदेशज और मिश्रित शब्द, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कवर करते हैं, देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द हैं, तो कौन कौन से शब्द पुर्तगाली हैं? एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुर्तगाली हैं। तो जैसे अलकतरा, अलकतरा, तो अलकतरा क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी क्या है? पुर्तगाली शब्द है। आलपीन, आलपीन, आलपीन क्या है? पुर्तगाली शब्द है। फीता, फीता क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तंबाकू, तंबाकू क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक, अलमारी, अलमारी क्या है? पुर्तगाली शब्द है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुर्तगाली शब्द हैं, तो ये हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द। ठीक, तो अंग्रेजी शब्द में जैसे अफसर, ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और इसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, अफसर, इंजन, इंजन। ठीक है, ये भी ये जो है अंग्रेजी शब्द है। अस्पताल अंग्रेजी शब्द है। ठीक, और है डॉक्टर, डॉक्टर, कप्तान, कप्तान, थिएटर, थिएटर या थिएटर, फिर है बोतल, बोतल, फिर है मील, मील। तो ये सब शब्द जो हैं अंग्रेजी शब्द हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कलेक्टर, कलेक्टर भी
अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, कलेक्टर। फिर है इंस्पेक्टर, 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 ठीक है, इंस्पेक्टर। पुलिस, पुलिस भी अंग्रेजी शब्द है, ठीक। फिर है बुकसट, बुकसट। फिर है टीन, टीन भी अंग्रेजी शब्द है, बुकसट भी अंग्रेजी शब्द है। फिर है स्कूल, स्कूल, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, स्कूल, ठीक है, ये भी अंग्रेजी शब्द है। फिर है टेशन, टेशन जो है अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, स्टेशन को ही टेशन बोलने लगे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद में सीलेट, 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 ये भी सीलेट जो है अंग्रेजी शब्द है, सीलेट, तो इसको हम सीलेट बोलने लगे हैं, ठीक है। टिकट, तो टिकट को हम अंग्रेजी शब्द है और इसको हिंदी में टिकस प्रयोग करने लगे हैं, टिकस, टिकट को। फिर है लालटेन, लालटेन अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, सब पूछे गए हैं एग्जाम में ये। तारपीन अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। मसाब, मसाब, ठीक है, जहल, जहल, ठीक। उसके बाद में है गारद, पाउडर, पाउडर, कोरट, कोरट, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं जिसको हम अंग्रेजी शब्द के रूप में इसको हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं। तो इसमें वही जैसे पाउडर है तो पाउडर का हम पाउडर के रूप में प्रयोग करने लगे, कोरट का हम कोरट के रूप में प्रयोग करने लगे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कोरट शब्द है ये किस शब्द से जो है बना हुआ है, तो ये अंग्रेजी शब्द से बना हुआ है। फिर है काउंसिल, ये लालटेन बहुत बार पूछा गया है कि ये विदेशी शब्द है, तो विदेशी के किस से है, अंग्रेजी से है, ठीक है। अब है काउंसिल, तो काउंसिल, ठीक है, ये काउंसिल से बना हुआ है, अंग्रेजी शब्द है। एक है पीरियस, पीरियस, पीरियस है, और ये प्रेस से बना हुआ है, ठीक है, प्रेस अंग्रेजी भाषा का है, इसको हिंदी में हम पीरियस के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। एक है आर्डर, आर्डर हम बोलते नहीं है, आर्डर दे दो, तो ये ऑर्डर, ऑर्डर जो एक अंग्रेजी का शब्द है उसको हम आर्डर के रूप में प्रयोग करने लगे, आर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पिलेट, पिलेट, अब प्लेट को जो है हम अंग्रेजी शब्द है और इसको हम प्लेट को जो है प्लेट के रूप में प्रयोग करने लगे। उसके बाद में एक है जेल, तो जेल अंग्रेजी शब्द है, इसको हम कैसे प्रयोग करने लगे, जेहल, ठीक है, ये। फिर गार्ड, तो गार्ड को हम प्रयोग करने लगे, गारद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है, हाँ। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है संकर या मिश्रित शब्द हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हिंदी और संस्कृत शब्दों के मेल से निर्मित हुए हैं उस संकर शब्द को हम देखते हैं। तो संकर शब्द देखेंगे, संकर शब्द, और संकर शब्द में जो है जो हिंदी, हिंदी, हिंदी प्लस संस्कृत शब्दों से मिलकर बने हैं, या देखते हैं संस्कृत और हिंदी, संस्कृत प्लस हिंदी शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, उन शब्द को पहले हम देखेंगे। तो जैसे है उपबोली, उपबोली, ठीक, ये संस्कृत है और हिंदी दोनों से मिलकर बने संकर शब्द हैं। भोजन गाड़ी, भोजन गाड़ी, ठीक, और है रात्रि उड़ान, रात्रि क्या है, संस्कृत शब्द है, और उड़ान क्या है, हिंदी शब्द है, ठीक है। तो ये हैं, अब हम देखते हैं दूसरा, देखते हैं संस्कृत और फारसी शब्दों के मेल से निर्मित संकर शब्द, संस्कृत प्लस फारसी, ठीक। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले विज्ञापन, विज्ञापन बाजी, तो विज्ञापन क्या है, संस्कृत शब्द है, और बाजी क्या है, फारसी शब्द है, और इससे मिलकर बना विज्ञापन बाजी, ठीक है। अब इसमें है एक खरीदना, खरीदना, ये भी संस्कृत और फारसी से मिलकर बना है। जेब कतरा, जेब कतरा, ये भी संस्कृत और फारसी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। बेडोल, बेडोल, बेडोल जो है संस्कृत और फारसी से निर्मित शब्द हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अरबी और हिंदी, अरबी और हिंदी,
अरबी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द। तो अरबी और हिंदी से निर्मित है अखबार, अखबार, अखबार वाला। तो ये जो है वाला हिंदी है, अखबार क्या है अरबी है। तो अरबी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं ये। फिर है अजायब घर, क्या है अजायब घर, अजायब घर, ये भी अरबी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं। फिर है आम चुनाव, आम चुनाव, आम चुनाव। हवा, हवा चक्की, हवा चक्की। मालगाड़ी, मालगाड़ी, मालगाड़ी। तो ये भी जो है अरबी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। अब फिर अरबी और हिंदी से निर्मित और शब्द क्या हैं, तो ये है किताब घर, किताब घर। कलम चोर। तो ये शब्द जो हैं ये अरबी और हिंदी से निर्मित महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं, ठीक है, जिनका संकर शब्द हैं ये, हिंदी, अरबी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तुर्की और हिंदी, तुर्की प्लस हिंदी से निर्मित संकर शब्द कौन कौन से हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए हैं, शब्द दे देगा, पूछा जाएगा ये किस किस से निर्मित शब्द हैं, ठीक है। अब तुर्की तोप गाड़ी, तोप क्या है तुर्की है और गाड़ी जो है हिंदी है, तो ये हो जाएगा तोप गाड़ी, ठीक। और तोप तलवार, तोप, हाँ तोप तलवार, ठीक। ये जो है ये किससे निर्मित है, अरबी और हिंदी से निर्मित है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं हिंदी और फारसी से निर्मित, हिंदी प्लस फारसी, फारसी से निर्मित शब्द, ठीक। अब देखते हैं इसमें जैसे है कठोर दान, कठोर दान। तो कठोर दान जो है ये हिंदी और फारसी से निर्मित शब्द हैं, संकर शब्द हैं, ठीक है। चमकदार, चमकदार है, ठीक। मसालेदार, मसालेदार, ठीक। और अगला है किराएदार, किराएदार। अगला है छापा खाना, छापा खाना। फिर अगला है थानेदार। फिर अगला है पंचायतनामा, पंचायतनामा, ठीक है, पंचायतनामा। तो ये पंचायतनामा हो गया, थानेदार हो गया, छापा खाना हो गया, मसालेदार हो गया, और उसके बाद में जो हो गया चमकदार हो गया। तो ये शब्द जो हैं अरबी और सॉरी हिंदी और फारसी से निर्मित संकर शब्द हैं, कठोर दान हो गया, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हुए महत्वपूर्ण। फिर हम आगे देखते हैं, अब अगला जो है हिंदी और अरबी और फारसी, फारसी से निर्मित शब्द देखते हैं। तो अब है इसमें अकलमंद, अकलमंद, अकलमंद। तो अकलमंद जो है अरबी और फारसी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। ऐसे है गोताखोर, क्या है गोताखोर, गोताखोर भी जो है अरबी और फारसी से निर्मित शब्द है, संकर शब्द है। फिर है एक शब्द तहसीलदार, तहसीलदार, और तहसीलदार भी जो है अरबी और फारसी से निर्मित संकर शब्द है। और इसमें एक अगला है फिजूल खर्च, फिजूल खर्च, और फिजूल खर्च भी जो है ये संकर शब्द है अरबी और फारसी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, अब अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द जो हैं उसको देखते हैं। तो एक है टिकट घर, टिकट क्या है अंग्रेजी शब्द है और घर क्या है हिंदी, तो इसीलिए हो गए टिकट घर, और ये संकर शब्द है, अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं, कौन है टिकट घर, ठीक है, ऐसे समझना है टिकट घर, ठीक। नेक्स्ट डबल रोटी, डबल रोटी, डबल रोटी। तो डबल रोटी भी जो है अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल क्या है अंग्रेजी है, गाड़ी क्या है हिंदी है, और ये अंग्रेजी हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें देखते हैं, हाँ सिनेमा घर, क्या है सिनेमा घर, सिनेमा क्या है, सिनेमा है अंग्रेजी शब्द और घर क्या है
हिंदी शब्द, तो सिनेमा घर हो गया। और ये संकर शब्द हुए, संकर शब्द किसके हुए, अंग्रेजी और हिंदी के, ठीक है। जैसे है रेलवे, रेलवे भाड़ा। अब रेलवे भाड़ा भी जो है अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित संकर शब्द हैं, ठीक है। अब जैसे अगला इसमें देखते हैं पुलिस चौकी। पुलिस चौकी ये आम जनजीवन में हम डेली सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे पुलिस चौकी का नाम सुने तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये एक संकर शब्द है और अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित ये संकर शब्द हैं, ठीक है। जैसे है डाकघर, डेली हम सुनते रहते हैं आए दिन, तो डाकघर, डाकघर भी जो है एक संकर शब्द है, अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है। डाक अंग्रेजी है, घर हिंदी है, पुलिस अंग्रेजी है और हिंदी है चौकी, ठीक है। तो ये हुए। हाँ, अब इसमें जो अगला हम देखते हैं हिंदी, हिंदी प्लस अंग्रेजी। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी से निर्मित संकर शब्द, ठीक है। पहले पिछले स्लाइड में क्या था, अंग्रेजी और हिंदी से, अब हिंदी और अंग्रेजी से, ठीक है। तो जैसे कपड़ा, कपड़ा मिल, तो कपड़ा क्या है हिंदी है और मिल क्या है अंग्रेजी है, तो ये हिंदी और अंग्रेजी से निर्मित संकर शब्द हैं, कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है जांच, जांच कमीशन, जांच कमीशन। अब जांच क्या है, हिंदी शब्द है, कमीशन क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी और हिंदी, वो हिंदी और अंग्रेजी से निर्मित ये संकर शब्द हैं, जांच कमीशन, ठीक है ये। अब नेक्स्ट है इसमें लाठी, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। अब ये भी लगभग में हम आए दिन न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते रहते हैं कि आज पुलिस ने यहाँ लाठी चार्ज किया, ठीक है। तो लाठी चार्ज, लाठी चार्ज जो है एक संकर शब्द है, और किससे निर्मित संकर शब्द है, किस भाषा से, किस शब्द से निर्मित संकर शब्द है, हिंदी और अंग्रेजी से। हिंदी है लाठी, अंग्रेजी है चार्ज, तो ये होगा लाठी चार्ज, और ये हिंदी और अंग्रेजी से निर्मित संकर शब्द हैं, लाठी चार्ज। तो एक एक चीज़ हमको जानना एकदम क्लियर जरूरी है, बस एग्जाम में कोई भी गलत नहीं होगा, जो भी ये लेक्चर हुए हैं, चाहे तद्भव हो चाहे तत्सम हो, ठीक है। और ये जो है मिश्रित शब्द हुए, विदेशी, ये सब जो है इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, लगभग में किसी भी एग्जाम में जो आते हैं इसी में से ही आएंगे। अब हम देखते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी और फारसी, अंग्रेजी और फारसी, अंग्रेजी और फारसी से निर्मित संकर शब्द, अंग्रेजी रहेगा फिर फारसी रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है शब्द, जैसे जेल खाना, जेल खाना। अब जेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, खाना क्या है, फारसी शब्द है, तो क्या हुआ, अंग्रेजी फारसी संकर शब्द से निर्मित संकर शब्द, जेल खाना, ठीक है। अब ऐसे हम देखते हैं जैसे सील बंद है, एक मिनट, सील बंद, ठीक। एडवर्टाइज भी आते हैं, सील सील बंद जो है पैकेट ही खाना मुझे लेना चाहिए, फसाई वाले एडवर्टाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो सील, सील क्या है, अंग्रेजी शब्द है, बंद क्या है, फारसी शब्द है, और हो गया सील बंद, और ये हुए संकर शब्द, किसके हुए, अंग्रेजी और हिंदी शब्द से निर्मित संकर शब्द हुए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संकर शब्द हम डिस्कस किए हैं, इसी में से आएंगे, ठीक है। हाँ, अब कुछ महत्वपूर्ण हम फारसी शब्द जो हैं, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी शब्द है, या कौन सा पुर्तगाली शब्द है, या कौन सा अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ऐसे आते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं फारसी शब्द कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं उस शब्द को हम देख लेते हैं। जैसे हो गया अदा, अदा, अफसोस, अफसोस, ठीक है, ये पहचान करने का आता है। आतिशबाजी, 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 आबरू, आबरू। फिर है अगला आमदनी, आमदनी। फिर है आराम, आराम। फिर है आफत। फिर है आवाज, आवाज। फिर है आईना, आईना। फिर है उम्मीद, उम्मीद। तो ये सब शब्द जो हैं ये फारसी शब्द हैं, ठीक है। और उसके बाद में है कद, कद। फिर है किसमिस, किसमिस, किसमिस। कुश्ती, कुश्ती। कमीना, कमीना। कबूतर, कबूतर, कबूतर कूचा,
फिर है खुद, खरगोश खरगोश खरगोश, खुश खुराक खूब खूब, फिर है गज गज, फिर है गर्द गर्द। तो ये सब शब्द जो हैं ये फारसी शब्द हैं। और शब्द हैं जैसे गल्ला गल्ला, गोला गोला, गुंबद गुंबद, फिर है गुलबंद गुलबंद, फिर है अगला गरम गरम, फिर है अगला गिरह, ठीक है, फिर है अगला गवाह गवाह, फिर है गुल गुल गुल, फिर है गुलाब गुलाब, फिर है अगला गोश्त गोश्त, फिर है अगला चरखा, फिर है अगला चश्मा। ये भी शब्द जो हैं ये फारसी शब्द हैं। और है शब्द जो भी देखते हैं, चादर चादर चादर, चाबुक चाबुक, ठीक, चादर चाबुक। और है चिराग चिराग, चेहरा चेहरा, ठीक है। फिर है चूकी चूकी, ये भी फारसी शब्द है, चूकी चाशनी चाशनी, ठीक। जहर जहर, जंग जहर जंग, जादू जादू, जिंदगी जिंदगी, ठीक, जिंदगी। जागीर जागीर, जीन, ये शब्द भी जो हैं फारसी शब्द हैं। और शब्द जो हैं जुर्माना 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 जुर्माना, ये एक मिनट फिर से लिख देते हैं, जुर्माना, ये जुर्माना जिस जैसा हम लिखे हैं ऐसे ही, ये जुर्माना इस तरीके का जो लिखा रहेगा ये फारसी शब्द है, ठीक है। देखना कैसे लिखा जा रहा है, कोई चीज़ गलत नहीं लिखा जा रहा है, जो लिखते हैं एग्जैक्ट वही लिखते हैं, ठीक है। ये फारसी शब्द हैं, जोर जिगर जिगर। कभी कभी लगता है लोगों को कि अगर कोई एग्जैक्ट वर्ड वही फारसी शब्द है इसको लिख देते हैं तो लगता है उनको, क्योंकि आम चाल बोल भाषा में जो है जुर्माना हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, अब उनको ये लगता है कि मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। तो इस गलत फहमी में जो है वो रहते हैं, एग्जाम में गलत करके चले आते हैं, इसलिए ध्यान से देखना है, एक एक शब्द ध्यान से देखना है। जुर्माना जिगर, जोश जोश हाँ जोश, तबाह तबाह, तनख्वाह तनख्वाह तन ख्वाह, ठीक है, तनख्वाह। तरकस तरकस, तमाशा तमाशा, ताक ताजा, ताक हो गया ताजा हो गया, तीर हो गया, ठीक। ये सभी शब्द जो हैं ये फारसी शब्द हैं। और शब्द हैं देख लेते हैं, तेज तेज, दरबार तेज हो गया दरबार हो गया, दंगल हो गया दंगल, ठीक। उसके बाद में है दस्तूर दस्तूर, दीवार दुकान दुकान, दिलेर देहात। ये सभी शब्द जो हैं फारसी शब्द हैं। और आगे शब्द देखते हैं, हाँ, नापसंद नापसंद नापसंद, नाव नामर्द नामर्द, पलक पलक, पलंग पलंग, मारा पुल पुल, पेशा पैमाना पैमाना, बहरा बहरा, बीमार बीमार, और बेहुदा बेहुदा बेहुदा, बेवा बेवा, बेरहम बेरहम। ये सभी शब्द जो हैं ये भी फारसी शब्द हैं। और शब्द जो हैं देख लेते हैं, मजा मजा, मलीदा मलीदा, मरहम मरहम मरहम, मलाई मलाई,
मादा, मादा, मासा, मुक्त, मुफ्त, मुफ्त होगा मुफ्त, मीना, मुर्गा, मुर्गा, मोची, 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 याद, याद, यार, यंग, नहीं रंग होगा यार, यार होगा फिर रंग होगा, ठीक है रंग होगा, फिर होगा राह, राह, फिर होगा रोगन, रोगन, ठीक, फिर होगा लगाम, लगाम, फिर होगा वापिस, 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 ऐसे जो लिखे हैं ऐसे ही होगा वापिस, फिर होगा शादी, शादी, फिर शोर, फिर सरकार, सरकार, फिर है सरकार, फिर है सरासर, सरासर, फिर है फितार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्द हैं जो फारसी शब्द हैं, इसको हम कवर किए हैं, आना होगा तो इसी में से आ जाएगा जो भी एग्जाम में आएंगे। और इसमें ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं जो डेली हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे इसमें एक है जैसे दवा, अब दवा जो है हम डेली यूज करते हैं, डेली बोलचाल भाषा में हम डेली प्रयोग करते हैं, दवा हो गया, दिल हो गया, देहात हो गया, ठीक है, ये सब फारसी शब्द हैं, दीवार हो गया, दीवार हो गया, दुकान हो गया, तो इसको हम डेली प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो है नाव हो गया, नाव हो गया, ठीक है, उसके बाद में तो ये डेली हम प्रयोग करते हैं, तो ये सब शब्द जो हैं फारसी शब्द हैं। तो डेली हम जैसे कहीं मान लिया घूम रहे हैं और अचानक कोई शब्द आया, तो हमारे दिमाग में जब तक हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तब तक जो है तुरंत शब्द आए आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये शब्द कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। तो डेली ऐसे रटने वाली चीज़ है नहीं है लोग, ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करने वाली चीज़ है। जब एक दूसरे से ये चीज़ें इंटर रिलेट हो जाएंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। जैसे मलाई, अब कोई बोले मलाई, तो मलाई क्या है, तुरंत जैसे मलाई बोला गया आपके सामने, आपके दिमाग में आना चाहिए फारसी शब्द है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे मादा, अब किसी ने मादा शब्द आप कहीं भी सुने, तो साइंस में पढ़ रहे हैं, मादा शब्द आप सुने या कहीं भी आप सुने, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मादा एक फारसी शब्द है। मतलब कोई भी शब्द है तो जहाँ भी एग्जाम में कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं तो तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ें आने। जैसे सितार, अब सितार है, अब सुने आप, ठीक है, सितार वादक कोई है उसका नाम सुने, सितार तुरंत आपके शब्द में, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो है फारसी शब्द है, ठीक है। हाँ, अब हम अगला देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अरबी शब्द हैं, अरबी शब्द, और अरबी शब्द भी जो है हम डेली आम चाल बोल भाषा में ये प्रयोग हो रहे हैं। तो वही चीज़ हम बताएं, कोई भी शब्द आपके सामने बोला जाए तो वो समझ में तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये अरबी है कि फारसी है कि पुर्तगाली है कि तुर्की है, कौन सा शब्द है, ये दिमाग में आपके आना चाहिए। तो हम अरबी शब्द देखते हैं, तो अरबी में जैसे अक्ल है, अक्ल है, फिर है अजब, अजब, फिर है अजायब, अजायब, सॉरी एक बार फिर से लिखते हैं, अजायब, ठीक है, अजायब, फिर है असर। हाँ, अब जैसे अजीब, अजीब, फिर है असर, असर, फिर है अहमक, 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 फिर है अल्लाह, अल्लाह, फिर है अदा, अदा, फिर है आदत, आदत, फिर है आदमी, तो आदमी, ये शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं। फिर है आखिर, आखिर, फिर है आसार, फिर है इलाज, इलाज, फिर है इनाम, इनाम, फिर है इस्तीफा, इस्तीफा, इज्जत, इज्जत, अगला है इजलास, इजलास, ये सारे शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं, ठीक है। जैसे है इमारत, अब हम डेली सुनते हैं इमारत के बारे में, सब सुनते रहते हैं, ये है अरबी शब्द। ईमान, अरबी शब्द। उम्र, सुनते हैं किस उम्र के हो तुम, पूछते हैं, ठीक है, तो ये अरबी शब्द। एहसान,
ये भी सुनते रहते हैं, लोग सुनाते रहते हैं कि बहुत एहसान किया हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, एहसान, औरत, ये भी सुनते रहते हैं। तो ये शब्द अरबी शब्द हैं, औलाद। तो इसीलिए कोई भी शब्द हम सुने हमारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा अरबी है, कौन सा क्या शब्द है। एग्ज़ाम ऐसा कर ले जाएंगे, श्योर है एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, ठीक है, औलाद, औरत, और बाकी हम रट चाहे जितना लेंगे लेकिन वो चांसेज हैं गलत होने के, लेकिन ऐसे हम किए रहेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे औरत हुआ, कर्ज हुआ। अब देखिए सारे शब्द हम डेली प्रयोग करते हैं, कमाल, कमाल, कब्र, ठीक, कब्र, फिर उसके बाद में है कदम, कदम, कसूर, ये भी शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं, ठीक है, फिर है कसर, कसम, कसम, फिर है कसरत, किला, किला, फिर है किस्त, किस्त, फिर है किस्मत, ये शब्द भी जो हैं अरबी शब्द हैं, फिर है किस्सा, किस्सा, फिर है किताब, किताब, फिर है कुर्सी, कुर्सी, फिर है खत, फिर है खत्म, खबर, ये सब भी जो हैं शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं। हाँ, अब अगला है जैसे किला, किला, फिर है किस्त, किस्त, फिर है किस्मत, किस्मत, फिर है किस्सा, किस्सा, किताब, किताब, फिर अगला है कुर्सी, खत, ये सब हो गया है। हाँ, फिर है अगला मौसम, ठीक है, फिर है मल्लाह, 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 मजबूर, मजबूर, फिर है मर्जी, मर्जी, फिर है मशहूर, मशहूर, और है मजमून, मजमून, मजमून हो गया फैसला, फैसला, फिर हो गया बाकी, बाकी, मवाद, मवाद, फिर है नहर, नहर, नशा, दावा, दान, दावा हो गया, दान हो गया, फिर हो गया नतीजा, नतीजा, फिर चाल, चाल, ये सब शब्द जो हैं ये अरबी शब्द हैं। फिर इसमें जैसे है मिसाल, मिसाल, फिर हो गया मुदई, मुदई, ठीक है, मुदई हो गया, मुसाफिर हो गया, मुसाफिर, फिर हो गया मुनसिफ, मुसाफिर, मुनसिफ, मुनसिफ, फिर है इसमें मालूम, मालूम, फिर है मालूमी, मामूली, मालूमी नहीं, मामूली, ठीक, मामूली हो गया, मात हो गया, मानी हो गया, मानी हो गया, उसके बाद हो गया वहम, हो गया वहम, वारिस, वारिस, उसके बाद में हो गया हाशिया, हाशिया, फिर हाल, ये शब्द जो हैं ये सारे शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं। और इसमें जैसे हो गया शराब, शराब, हक, हक हो गया, हद हो गया, हरामी हो गया, हरामी, हमला हो गया, हवालात हो गया, हवालात, तो ये शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं। और इसमें हैं जैसे हाजिर, हाजिर, हासिये, हासिया, हासिया होगा, हासिया, हाल, ठीक, हाकिम, हाकिम, हिम्मत, हिम्मत, हैजा, हैजा, देखो सुनते रहते हैं इसको, हैजा, और हो गया हौसला। तो ये शब्द जो हैं हौसला, ये भी शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं। अब इसी में जैसे हो गया दुआ, दुआ, फिर हो गया दुकान, दुकान, फिर हो गया दफ्तर, दफ्तर, ठीक है, तो ये शब्द भी जो हैं अरबी शब्द हैं। जैसे हो गया तमाम, तमाम, तमाम हो गया,
फिर तुर्की हो गया, तुर्की। फिर अगला शब्द हो गया जैसे जहाज, जहाज। फिर हो गया जैसे इसमें हो गया फैसला, फैसला, फैसला हो गया। फिर इसमें हो गया गरीब, गरीब। फिर हो गया लिफाफा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अरबी शब्द हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तुर्की शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। और ये एग्जाम में पूछे गए हैं इस तरीके के शब्द, तुर्की शब्द। अब जैसे उर्दू, उर्दू देखिए अपने आप में तुर्की शब्द है उर्दू। कज़ाक, कज़ाक। काबू, काबू। कालीन हो गया, कालीन। ये सब तुर्की शब्द हैं। फिर हो गया कुली, कुली। फिर हो गया कुर्की। फिर कैंची, कैंची। फिर है एक है चकमक, चकमक। ये भी तुर्की शब्द है। फिर है चमचा, चमचा। फिर है चिक, चिक, चिक। फिर है चुगुल, जुगुल है, सॉरी जुगुल है। क्या होगा? जुगुल, जुगुल। फिर है अगला चेचक, चेचक हो गया, जालिम हो गया, जालिम। तमगा, तमगा। तलाश, लोप। बहादुर, बेगम। मुगल, मुगल। और लफंगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो हैं तुर्की शब्द हैं, ठीक है। हाँ, अब संकर शब्द में कुछ शब्द छूट गए हैं जिसको हम देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी। और प्लस अंग्रेजी और संस्कृत से जो है मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। और कौन कौन से हैं? तो जैसे ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस। कर्मचारी, ऑफिस कर्मचारी। तो ये जो है अंग्रेजी और संस्कृत शब्द से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और ये संकर शब्द हैं। जैसे है टैंक युद्ध, तो टैंक क्या है? अंग्रेजी शब्द है। युद्ध क्या है? संस्कृत शब्द है। तो ये संकर शब्द हुआ और अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर बना ये संकर शब्द है। जैसे है मशीनीकरण, मशीनीकरण। अब मशीन, मशीन क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। और मशीनीकरण, तो अनीकरण जो हो गया संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो ये संकर शब्द हुआ अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर। अब जैसे है रेल विभाग, रेल विभाग। विभाग जो है संस्कृत है और रेल जो है अंग्रेजी है। तो ये अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर बना संकर शब्द है, ठीक है, रेल विभाग। जैसे है फिल्म, फिल्म उत्सव। बोलते नहीं भैया फिल्मोत्सव है, ऐसे बोलते हैं। तो फिल्म अंग्रेजी शब्द है, उत्सव संस्कृत शब्द है। और ये अंग्रेजी और संस्कृत से मिलकर बना संकर शब्द है, ठीक है। पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब अंग्रेजी और अरबी, जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी और प्लस अरबी शब्द से मिलकर बने संकर शब्द कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो एक है पॉकेट, खर्च। पॉकेट क्या है? अंग्रेजी है। खर्च क्या है? अरबी है। तो ये हुआ संकर शब्द हुए, अंग्रेजी और अरबी से मिलकर बने संकर शब्द हुए, ठीक है। एक है इसमें जैसे सिनेमा, सिनेमा। शौकीन, शौकीन। तो ये भी जो है संकर शब्द हुए। और संकर शब्द किसके हुए? अंग्रेजी और अरबी के, ठीक है। अब है सिबिल, सिबिल। नाफरमानी, ठीक है। तो ये भी जो हैं संकर शब्द हैं अंग्रेजी और अरबी शब्द से मिलकर, ठीक है, बने हुए हैं। हाँ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहे जिसमें हम चर्चा किए। अंग्रेजी शब्द, संकर शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, फारसी शब्द, विदेशी शब्द, देसी शब्द, ठीक है। तो अब अगला एक लास्ट लेक्चर हम लेंगे। उस लास्ट लेक्चर में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ
एमसीक्यू फॉर्मेट में हम देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। लास्ट लेक्चर वो रहेगा तद्भुतस्सु इस चैप्टर से जो है रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।